सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा, आज हम बनाएंगे प्लाजो फुल घेर और विद इलास्टिक, जिसे बनाना बहुत ईजी है। स्टेप बाय स्टेप इसे मैं बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं प्लाजो को। देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने प्लाजो के लिए 2.5 से 2.5 मीटर हमारे को इसके लिए कपड़ा चाहिए होता है। मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। कपड़े को फोल्ड हमने कैसे करना है ये देखिए, यहाँ से मैंने इस कपड़े को डबल किया। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको डबल किया। डबल करने के बाद इसमें हमने एक फोल्ड और किया, ये देखिए इस तरीके से। ऐसे हमने कपड़े को रखना है। फोल्ड वाला साइड मैंने नीचे की साइड लिया है। अगर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हमारी लेंथ के बाद जो हमारा कपड़ा बचेगा तो वो हमारे पास यहाँ पर इकट्ठा कपड़ा बचेगा। अगर हम ऊपर से कपड़े को कट करते हैं तो यहाँ पर हमारे कपड़े पीस पीस में बचेंगे, इसलिए हमने फोल्ड वाला साइड नीचे रखना है। ऐसे हम अपने कपड़े को रखेंगे। सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए नेफे के मोड़ने के लिए कपड़ा लेंगे। यहाँ से आपने 2 इंच लेना है, ये देखिए इस तरीके से 2 इंच हम यहाँ से लेंगे। इसको अब हम यहाँ से छोड़ेंगे, अपनी पूरी लेंथ लेंगे। जितनी भी आपने लेंथ रखनी है वो आप लेंथ लेंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ से मैंने 37 यहाँ पर मैंने लेंथ ली है। उसके बाद आपने कितना फोल्ड करना है वो आप फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का यहाँ पर मैंने फोल्डिंग के लिए कपड़ा लिया है। अब हम इसे यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगाना है। नेफे के लिए हमने यहाँ पर निशान लगाया और नीचे से फोल्ड करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से हमने निशान लगाना है। अब ये देखिए, यहाँ से जितनी हमारा हिप का साइज होगा उसको आपने 3 से डिवाइड करना है, उसको उसमें भाग करना है। जैसे 42 है हमारी हिप का साइज, उसमें हमने 3 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 इंच। 14 इंच पर हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे। ऐसा ही सीधा निशान लगाने के लिए मैं यहाँ पर ये ऐसे लिया। अब सेम ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए, जैसे हमारा हिप का साइज यहाँ पे 42 है, यहाँ पर हमारा उसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाता 14। तो मैंने यहाँ से 14 लिया है, तो सेम ऐसा ही यहाँ से हमने लेना है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर क्रॉच एरिया बनेगा। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। आप यहाँ पर क्रॉच एरिया अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर 14 आया, आप उसमें आसन कम पहनना छोटा पहनना चाहते हैं तो उसमें 1 इंच उसमें माइनस कर सकते हैं, तो आपका जो है यहाँ पर 13 इंच आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 14 इंच लिया है, उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हम सीधा निशान इस तरीके से ऊपर से लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने लगाना है जो भी आपका हिप साइज़ होगा उसको आपने 3 से डिवाइड करना है और उसमें प्लस हमने 2 करना है, तो हमारा ये हो जाएगा 16 इंच। यहाँ पर हम 16 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम सीधा इस लाइन पर लेकर आएंगे और यहाँ से हमने ये देखिए इस तरीके से ऐसे गोलाई देनी है यहाँ पर ऐसे। अब आपने नीचे से कितना लेना है बॉटम, आप अपने हिसाब से बॉटम ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ से 10 इंच ले सकते हैं, यहाँ से 15 इंच ले सकते हैं, या फिर आप इसमें पूरा इंच भी कपड़ा जितना आपका है आप उतना भी आप इसमें ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा अर्ज इसका कपड़ा ले रही हूँ। यहाँ से हमने 1 इंच यहाँ पर मैं लूज ले रही हूँ, यहाँ पर 1 इंच मैंने लूज लिया। उसके बाद अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप देनी है। अब हमने यहाँ पर पूरा अर्ज लिया है तो यहाँ से हमारा जब प्लाजो हम पहनेंगे तो यहाँ से साइड में से कॉर्नर इसका लटकेगा, तो हमने यहाँ से ये देखिए यहाँ से 1 इंच ऐसे लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए इसकी शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो इसका कॉर्नर जो है वो साइड में से लटकेगा नहीं। अगर आप पूरा अर्ज लेते हैं तभी आपको ये यहाँ पर निशानी बनाने की ज़रूरत है गोलाई की, और वैसे नहीं है। जैसे आपने मान लो यहाँ से आपने 12 इंच लिया तब भी आपको ज़रूरत नहीं है, 15 पर भी आपको ज़रूरत नहीं है, तब आप इसमें पूरा अर्ज लेते हैं। तो आपने इसी तरीके से शेप इसमें देनी है तो कॉर्नर जो है आपका यहाँ से लटकेगा नहीं। कटिंग हो चुकी है, अब इसमें हम इसको सिलना शुरू कर। सिलने से पहले हम कपड़े पर निशान लगा देंगे। ये हमारा कपड़े का रॉन्ग साइड है, इसको खोलेंगे। ये हमारा राइट साइड है, सीधा साइड है ये हमारा, और ये हमारा
यहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान लगाया, ये हमारा उल्टा है, तो दोनों ये हमारे उल्टे साइड हो गए। ये देखिए, अब इस कपड़े को हम ऐसे खोलेंगे आसन पर से, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही आसन पर यहाँ पर हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। आसन हमने स्टिच कर लिया है, आप तब सिलाई करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा आप एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड हम इसमें और करेंगे, ये देखिए ऐसे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और सीधी साइड से ये फिनिशिंग के साथ मुड़ेगा और आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको स्टिच कर दिखाती हूँ। ये देखिए, आसन पर से हमने सिलाई लगा ली है और हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए डबल सिलाई लगाकर अब आपको यहाँ पर इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक आपने कैसे लेना है, जितनी भी आपका वेस्ट का साइज़ होगा उसमें आपने 4 या 5 इंच इसमें माइनस करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने ये इलास्टिक लेना है। अब इलास्टिक हम ऐसे लेंगे और इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे ही यहाँ पर 2-3 बार स्टिच कर इस इलास्टिक को पक्का करेंगे। ये इलास्टिक को हमने सिलकर रेडी कर लिया है, ऐसे आपने इलास्टिक को सिलना है। अब ये हमारा रॉन्ग साइड है, इलास्टिक को हम इसके बीच में ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इलास्टिक के ऊपर से ले जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए, हम जैसे कपड़ा रखते हैं तो इसके ऊपर रखते हैं तो हमारे को इलास्टिक पता नहीं लगता कि कहाँ पर है। तो इस कपड़े को आपने ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे रखेंगे और इसके ये देखिए ऐसे करना है फोल्ड आपने इलास्टिक के ऊपर की तरफ से ऐसे, और यहाँ से आपको यहाँ पर दिखाई देगा इलास्टिक। ये देखिए, यहाँ से आपको इतना इलास्टिक दिखाई देगा और यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोड़ना है और उसके बाद हमने इस पर स्टिच करना है, जो मैं आपको कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारा आसन है, आसन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको सिलना। फ्रंट वाला हमारा आसन है, इलास्टिक को हम नीचे रखेंगे और कपड़े को हमने इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है इलास्टिक के ऊपर नीचे की साइड से। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा 2 इंच के करीब कपड़े को रखना है, इलास्टिक के ऊपर आपने नहीं सिलना। अब हम इसकी स्टिच करेंगे। फिर सेम ऐसे ही करना, ऐसे रखेंगे और इस कपड़े को इसके ऊपर से ऐसे रखना है। यहाँ पर हमने थोड़ा कपड़ा 2 इंच छोड़ना है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच करते हुए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, तब आप इलास्टिक को सिलते आएंगे तो क्या होगा, आपका इलास्टिक यहाँ पर कम होगा और कपड़ा आपका यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सभी गैदर्स इस तरीके से ऐसे इकट्ठे कर देंगे एक साइड में और यहाँ पर हमारा इलास्टिक बढ़ जाएगा और ये यहाँ पर ये कपड़े की अब हम सिलाई करेंगे। सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने पहले बताया, इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे ही हम इलास्टिक को ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, फिर सेम ऐसे ही करना। ये देखिए, आपका धीरे धीरे इलास्टिक जो है यहाँ पर पूरा हो जाएगा और कपड़े के अकॉर्डिंग सेट होता चला जाएगा। ये देखिए, गैदर्स को हमने इस साइड में इकट्ठा करते गए। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा कपड़ा इक्वल हो गया। ये देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे ही, फिर ऐसे ही फोल्ड करना है और फोल्ड कर अब इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये इक्वल हो गया। ये देखिए, सभी गैदर्स हमने एक साइड इकट्ठा कर दिया, यहाँ पर हमारे गैदर्स नहीं है। अब हमने इसको एडजस्ट करना, ये देखिए ऐसे, और यहाँ से हम ये देखिए आसन जो हमारा ये वाला आसन और ये वाला आसन दूसरे दोनों को हमने ऐसे पकड़कर इस तरीके से ऐसे खींचना है। तब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो सभी गैदर्स हमारे ये देखिए इक्वल आ गए। ये देखिए, और ये देखिए, अब हम इस पर स्टिच करेंगे। एक बार हम यहाँ पर स्टिच करेंगे, एक पैर की सिलाई और एक पैर की सिलाई यहाँ लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे, स्टिच की लेंथ मैक्सिमम जितनी होगी उसको आप स्टिच को सेट करेंगे। और अब ये देखिए, यहाँ से हमने ऐसे खींचना है इसको इस तरीके। ये देखिए, यहाँ पर हमारा
ये देखिए यहाँ पर प्लेन कपड़ा हो गया। अब हम इसे स्टिच करेंगे और पीछे से भी हम इसको खींचेंगे, ये ऐसे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमारे गैदर्स पड़ते जा रहे हैं। ये देखिए फिर ऐसे ही करेंगे, इसको आपने अपनी साइड खींचना, ऐसे ही पीछे से खींचना। ऐसे करते हुए राउंड में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट राउंड हमारा ये है। ये देखिए यहाँ पर एक पैर की सिलाई हमने लगा दी है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, और एक पैर की सिलाई हमने ऐसे ही लगानी है। इसी तरीके से आपने कपड़े को खींचना है। कपड़े को आपने पीछे से ज़रूर खींचना, अगर नहीं खींचेंगे तो सिलाई ढंग से नहीं आएगी। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको स्टिच कर कंप्लीट करना है। देखिए इलास्टिक लगाकर इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। नीचे से हम बॉटम को सिल लेंगे और यहाँ से बॉटम जितना आपने लेना है, ये देखिए यहाँ से जितना बॉटम लेना है उतना लेते हुए इसको गोलाई में यहाँ से लेकर आएंगे। यहाँ पर आसन जितना लेना है आपने वो आसन लेंगे। आसन लेने के बाद यहाँ से पूरा करते हुए इसे हमने कंप्लीट करना है। प्लाजो हमारा बनकर रेडी हो गया। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।